देपालपुर तहसील के ग्राम पंचायत काली बिल्लौद में प्रदेश की पहली मानव मल जल प्रबंधन इकाई स्थापित की गई। यहाँ इकाई मानव मल और व्यर्थ बहने वाले घरेलू पानी को दोबारा उपयोग में लाने लायक बनाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसका उद्घाटन करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया देपालपुर पहुंचे। यहां इकाई काम करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाटर एड ने भी मदद की है। इस तरह की इकाइयां देश में कई स्थानों पर बनाई जा रही हैं, लेकिन प्रदेश की काली बिल्लौद में यह सबसे पहले बनाई गई है जहाँ इसका सफल संचालन हो सका है। स्वच्छता में नंबर वन रहता है और अब शहर के साथ साथ ग्रामीण परिवेश का भी इंदौर जिला स्वच्छता में अग्रसर हुआ है और आज भारतवर्ष का पहला प्लांट जो फंक्शनल है हमारा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो आज यहाँ लोकार्पित हुआ है। इससे जितने हमारे 3 पंचायतों की जो गंदगी होती है, जो मल होता है, उसको पूरा रीयूटिलाइज करके, उसको रीचेन करके और उसको खाद के रूप में काम करेंगे और दूसरा जो हमारा पानी है उसको स्वच्छ में रखेंगे जिससे कि वो सूर्य की किरणों से उसको ठीक किया जा सके और वो पानी जो है हमारी खेती किसानी के लिए काम आए। तो ये एक निश्चित रूप से मैं कहूँगा नवाचार हमारे स्वच्छता मिशन, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन ने किया है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। खासकर निधि जी कहाँ हैं, काली बिल्लौद के FSTP प्लांट और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का इनॉग्रेशन करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी सिसोदिया आज पधारे थे। और ये जो FSTP प्लांट है जो भारत का एक ग्रामीण क्षेत्र का पहला प्लांट है और ये ग्राम पंचायत काली बिल्लौद और विकासखंड देपालपुर को इसका श्रेय जाता है। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश नहीं भारत को ही स्वच्छ भारत मिशन में एक नया रास्ता दिखाएगा और इसी कड़ी में ये सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। ये गरिमामय कार्यक्रम काली बिल्लौद ग्राम पंचायत में हुआ। इसके लिए पंचायत ने ट्रचिंग ग्राउंड से कुछ दूरी पर एक सुव्यवस्थित प्लांट बनाया है। यहाँ FSTP प्लांट में प्लांटेड ड्राइंग बेड, प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर, पॉलिशिंग पॉट का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, पेटमा।